भगवान के घर से आता है तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि हम किस धर्म में किस जात में जन्म लिया है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको हमारे संसार के द्वारा ही या उसके परिवार के द्वारा ही पता चलता है कि बेटा आप इस कुल में जन्म लिए, आपका धर्म ये है, आपके माँ बाप ये है। ठीक वो जैसे हम लोग घड़ा बनाते हैं, घड़ा देखा होगा, जब एक मिट्टी का हम लोग घड़ा जब मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है घड़ा, तो उसको वो उस समय क्या होता है, मिट्टी होती है ना, उसको हम जिस रूप में ढालेंगे वो उस रूप में ढल जाता है। उसी प्रकार जब एक छोटा सा अबोध बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको अंदर भी ये संस्कार उसके घर वालों के द्वारा समाज के द्वारा ही पता चलता है कि वो किस कुल में और किस जाति में जन्म लिया है। और भगवान कभी हम लोगों में फर्क नहीं समझता, भगवान ने सभी प्राणी को एक समान बनाया है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, इस धरती पर कोई मनुष्य विशेष वरदान लेकर नहीं आया है कि कोई विशेष वरदान लेके आया है, सबको भगवान उतनी ही ढंग से बनाता है जिस ढंग से हम लोगों को धरती पर हम लोग आते हैं और क्या करते हैं अपने जीवन का यापन करते हैं। ठीक, ये इंसान के द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं कि हम अहंकार कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से क्या होता है बेटा, विनाश होता है। अगर हम लोग अहंकार करते हैं या पढ़ा लिखा इंसान अगर अहंकार करता है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान हमेशा कैसा विनम्रता का परिचय देता है। अगर पढ़ा लिखा इंसान है, अगर संस्कारी इंसान है तो कभी भी वो अपनी शिक्षा के ऊपर अपने ऊपर कभी भी वो घमंड नहीं करता है। भूल गया है क्यों इंसान, यह इंसान भूलता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों भूल रहा है कि हम अलग हैं तुम अलग हो। अगर हम लोग इस धरती पर रहते हैं तो सब कोई समान है। ठीक है, देखिए धरती में मानव उपजा, इस धरती में ही मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति धरती पे ही हुई है, मानव ने ही देश बनाया। इस देश कोई भी रचना किसने की है, मानव ने। और मानव की रचना किसने की है, ईश्वर ने। ईश्वर ने ही तो मानव को बनाया है बेटा। तो इस धरती में मानव उपजा, इस धरती में मानव को उपजाया, मानव ने ही इस देश का संचार किया, इस देश की रक्षा के लिए मानव ने ही अपना देश बनाया है। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, बहुत से देशों में। अच्छा, वो वीर सपूत धरती माता की जब रक्षा करते हैं वीर सैनिक, तो कभी कोई ये कहता है कि हम इसके कुल के हैं तो हम इस राज्य की देश से वो रक्षा करेंगे, हम इस राज्य की, क्योंकि वो धरती माता समान होती है, इसलिए वो धरती माता की समान रूप से ही रक्षा करते हैं। कभी अपने अपने देश या अपने अपने राज्य के लिए नहीं लड़ते। जब वो हमारे वीर सपूत सैनिक धरती माता की रक्षा एक समान करते हैं, तो आखिर हम लोग आपस में क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों एक दूसरे के अहंकार को दर्शाते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, यह इंसान क्यों भूल गया है कि हम सब लोग एक ही देश के हैं, एक ही देश में रहने वाले नागरिक हैं। बहु देश में बसी हुई एक धरा संतान, बहुत से देशों में एक धरा एक ही धरती की संतान बसी हुई। हम लोग सभी लोग एक ही धरती के इंसान हैं, हम लोग सभी लोग एक ही धरती पे जन्म लिए हैं। ठीक है, तो इसको किसने बेटा लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि मनुष्य को इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही धरती के सपूत हैं, हमारा जन्म इसी धरती पे हुआ है और हमें इसी धरती पर मिट जाना है। जब अगर ये देखिए जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, चार धर्म के लोग हैं, अगर हम उनका ब्लड निकालते तो क्या हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, सिख का अलग, ईसाई का अलग ही लगता है, सबका ब्लड तो रेड होता है ना, रेड कलर का ही होता है। जब उन सबको अगर एक साथ रख दिया जाए तो क्या आप पहचान सकते हैं ये ब्लड किसका है, ये ब्लड। जब हमारे अंदर से खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, तो आखिर हम लोग क्यों अलग अलग इस संसार का निर्माण कर रहे हैं, संसार में अपनी अलग अलग छवि क्यों दिखा रहे हैं। जब आकाश अपनी निर्मल छाया देने में हमको कतराता नहीं है, सभी को समान निर्मल छाया देता है। ठीक है, धरती माता हमको समान समझती है, तो आखिर हम लोग अपने को अलग क्यों समझते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आज आप लोगों को ये पोएम एक्सप्लेन की, सभी बच्चे इसके अच्छी तरह से